करेंगे पाठ की। हमारे पाठ का नाम है समय नियोजन। समय नियोजन का अर्थ होता है भविष्य में हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में समय नियोजित करना। अगर आपको ये कि समय नियोजन की क्या आवश्यकता है, काम तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, समय नियोजन करके क्या फ़ायदा है, लेकिन नहीं, अगर हम समय को नियोजित करके काम करते हैं तो उसमें हमारा सारा काम सही तरह से हो जाता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि मुझे समय नहीं मिलने के कारण मैं पत्र नहीं लिख सका, समय नहीं मिलने के कारण मैं मिलजुल नहीं सका, तो ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे मन का आलस्य है। हमें अपना हर काम का एक समय निर्धारित कर लेना चाहिए कि मुझे कब कैसे क्या करना है। आज इस पाठ के माध्यम से हम दो महान योद्धों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने काफ़ी सारे काम रखते हुए भी अपने रोज के काम में कभी कोई देर नहीं की। उनका नाम है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री होने के नाते उन पर काफ़ी सारी जवाबदेही थी, जिसके बावजूद बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता रहता था, बहुत सारे मीटिंग में जाना होता था, लोगों से मिलने भ्रमण के लिए जाते थे, और इसके बावजूद भी वो अपने साथ जितने भी लोग काम करते थे उनके साथ कठिन समस्याओं पर वार्तालाप करते थे। इतने काम होने के बावजूद वो अपने लिए भी कुछ समय निकाल लिया करते थे, जैसे मनोरंजन और व्यायाम में कभी उनको देर नहीं होती थी। और महात्मा गांधी का नाम तो आपने सुना होगा। महात्मा गांधी भारत को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी सारा काम अपने हाथों से करते थे। उनसे हमें सीखना चाहिए कि हम दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, अपना काम हमें खुद कर लेना चाहिए। और महात्मा गांधी जो थे जवाहरलाल से नेहरू से कम काम उनके पास नहीं होता था। उनके पास भी लोगों का मिलना जुलना काफ़ी लगा रहता था, ढेरों सारे पत्र आते थे जिसको वे स्वयं अपने हाथों से जवाब लिख कर देते थे, और इतना करने के बावजूद भी वो प्रातः भ्रमण के लिए रोज़ समय पर निकल जाते थे और कभी भी प्रार्थना सभा में जाने में देर नहीं करते थे। तो गांधी जी और नेहरू जी के जीवन यह प्रमाणित करता है कि हम अगर सोच समझ कर समय का विभाजन करके काम करें तो हमारे अनेकों कार्यों के लिए काफ़ी सारा समय मिल सकता है। इस पाठ में समय की तुलना धन से की गई है, लेकिन अगर आप कहोगे कि दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो समय हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें समय को कभी नहीं खोना चाहिए। धन तो जीवन में आते जाते रहते हैं, अगर आज धन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कल भी नहीं होगा, लेकिन अगर समय चला जाता है, आज का समय अगर हमारा बर्बाद हो जाता है, चला जाता है व्यर्थ में, तो ये समय हमारे लिए लौट कर नहीं आ सकते। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों में समय की बहुत ही महत्व देना, विद्यार्थियों को समय का बहुत ही महत्व देना चाहिए। उसे अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को जो एक बार जीवन में आदत पड़ जाती है वो जिंदगी पर्यंत बनी रहती है। इसीलिए विद्यार्थियों को अपने समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। जैसे स्कूल में हमारे 5-6 घंटे का समय सारणी होता है, वैसे 18-19 घंटे का भी हमारे घर में काम करने का समय सारणी होना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे तो ज़रूर ऐसा करने वाले विद्यार्थी सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें इन दोनों महापुरुषों से ये सीखना चाहिए कि ढेर काम रहते हुए भी हम अपना समय अपने लिए निकाल सकते हैं। और इस पाठ से हमें समय का नियोजन करना सीखना चाहिए। थैंक यू।